नमस्कार दगड़ियों को आप लोग आशा करना आपको कुशल मंगल होने आप घर में सब कुशल मंगल होने। तो दोस्तों आज एक यश चीज आपको देखो जो सफाई करते हुए मिली पैट में। पैट आप लोग सब समझा जो टाट हूँ टाण जो हमको नहीं जब आजकल तो सब लेंटर मकान जो पुराने जमाना में पाथरा मकान हो चाहिए पुल देखी रहो ना लाइले छन तो पाथरा मकान है तलीबे जो है हम बसा तलीबे एक तख्त डाले पैट बनो जो हूँ टाण कुनी तो कई जाक पैट कुनी कई जन टाण कुनी और है सकू कई जाक कुछ और भाषा मिले कुनी तो हम उठा था पैट कुनी। तो पैट में कुछ सफाई करते हुए मेरे कुछ चीज मिली तो वो चीज आपको देखना चाहूँ बहुत पुरानी छो और आज वो चीज बहुत कम देखने को मिली तो आप बोले थोड़ा आइडिया लगाओ क्यों उन्हें तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आपको वो चीज देखनू। तो आजकल तो बहुत कम देखने को मिली जी ये देख सकते आपको ये चू घंटी ना घंटी ले गुनिया मुंह कहूँ घन घन गुनिया हूँ और उसी तो आजकल आई ले जो बहुत सारे लोग आप पशु जो गोर बाकर भैंसू गौ में टांग रही घंटी लेकिन जो घंटी कुछ खास छू बहुत पुरानी छू और यह वजन लगभग 2 या 2.5 किलो यह वजन छ और ये आवाज बहुत बढ़िया छू। जब पहले समय में बहुत ज्यादा भैंस पालन उन्नल तो आजकल तो पशुपालन पहाड़ में बहुत कम है जैसे कि भैंस वगैरह बहुत कम लोग पानी जब पहले जमाने में कई ज्यादा भैंस पालन तो भैंस गौ में घंटी का टांग लगभग 2 या 2.5 किलो है ज्यादा वजन छू है और यह एक आवाज आपको देख सकते हैं बहुत ही बड़ी आवाज है तो अब तो थोड़ा पुराना है चुके और लगभग बहुत साल पुराना छू और 2 या 2.5 किलो वजन छू तो देख सकते हैं तो अब तो ये बहुत कम चीज यो जो देखने को मिली यह चीज और अल लेकिन बहुत बढ़िया छू संभाल रख रही मेरे तो यह एक मेन मकसद यही है कि जब तक तक आप भैंस जंगल में खोल छा अगर भैंसों को मैं टांगी हो अगर कहीं भैंस इतका उत्कन है जाए आप नजर को दूर है जाए तो अगर बाजली तो भैंस आपको आसानी मिल जाए मेन मकसद यही है लेकिन आप यो बहुत घंटी बहुत कम देखने मिली बहुत पुरानी छू और आप लोगों ने मेरे एक खास निवेदन छू अगर आप लोगों के लिए कोई या चीज कुमाऊनी कुछ ऐसे यंत्र हो कुछ चीज हो आपको जो मिली या सफाई करते हो कहीं आपको घर में मिली तो आप कबाड़ कुबूर ना दिबे आप सजेवे रखो और घर में सुरक्षित रखो ताकि उन्हीं वाली पीढ़ी के लिए इन चीजों जो रूबरू कर सको आप इन चीजें जैसे यूज बहुत कम हो तो ताकि उड़ी वाली पीढ़ी ले देख सको कि हाँ पहली भी यह सोची कम से कम उनको पत्थर लग सको कम से कम यह चीज ले पहली भी होची कबेर तो आप इन चीजों को बढ़िया भांति सुरक्षित रखे आप कबाड़ी को घोड़ी को ना दिवेर तो एक नानी सा चीज आई थी मैं आप लोगों को देखूंगा यो देखो ये हूं कुनी जड़िया सिंह यो मैं ख्याल जो बारा सिंगा हूं वो सिंह हूं यो तो यह एक यूज हमारा करी जहाँ शायद आपको अनिल हुनल के और काम ले है सुकून हुनल तो हमारे यह जो यूज हो चाहिए आप तो शायद जब नई नई बच्चे जो पैद हो न्यू बॉर्न बेबी जो कह दो तो आजकल तो उन्होंने जी तमाम किस्म की झूल है तो उतक हुई चौर जो बासा ठुल्ला चौर बड़ूसी इतना ठुल्ला उमे तलीबे पराव बिछवे और मलिबे खतर बिछवे नंतना के सिवाई जैसी और मली टांगी जैसी जो बास में इमें जौर लटके तो इमें झूल टांगी जैसी जो चौर चौर जमा बनी तो इमें टांगी जैसी और हिलाई जैसी जैसी झूल दिनी आजकल तो जब कोई बच्चे जन्म ले तो माकोटे आम लुची चौर खरम धरबे तो के दिन छी यार खरम धरबे में ना थरो में ना तन हैरा तो चौर लिबे जैसी उन दिन है चौर लटकाई हुई आप लोगों ने देखो ना मैं बहुत देखो और झूले रहे बहुत रोन नंते ना कर इस बार ना तो उन दिनों के बाद से आप तो बस यूं कुछ यादें लीजिए और यादगारी लीजिए कुछ यूं धरी हुई छन और सुरक्षित रखी हुई छी ताकि उन्हीं वाली पीढ़ी के लिए इन चीजों बारे में बता सकूं तो एग्जैक्ट मुगले पत्तन है कै सिंह हूं मैं ख्याल ले बारा सिंगा हूं जो ऊ सिंह हूं अगर आप लोगों को पत्तो छ तो एग्जैक्ट कै सिंह हूं तो कमेंट बॉक्स में लिख एक बार जरूर बताया तो यही कुछ एक खास चीजें दिखाऊँ छी और आगे के लिए आपको यह चीजें मैं दिखाते रहूं और अनबॉक्सिंग नहीं करते रहूं तो दोस्तों मिलूल अगले वीडियो में और आप लोगों ने पूछू एक बार फिर पूछू कि यह चीजें जो आप लोगों को लगो कि हाँ पुरानी चीज छी इधर यूज बहुत कम हूँ या बहुत जो लुप्त है गई अब इन यूज होना ना यह चीजों का आप सजो भी रखिया कबाड़ी को बूढ़ी करने दी बेर ताकि उड़ी वाली पीढ़ी के लिए आप जो से बता सको तो दोस्तों फिर मिलूल कोई अगले वीडियो में कुछ कॉमेडी या कुछ हंसी मजाक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय देवभूमि जय उत्तराखंड।